पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भले ही पाकिस्तान कुछ भी बोल ले, दलील कितनी भी पेश कर ले, गीदड़ भभकी क्यों ना दे दे, लेकिन सच तो यही है कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है। डर से पाक के हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान की दुनिया भर में छवि खराब हो रही है और अब पाकिस्तान पर करारा प्रहार फ्रांस करने जा रहा है। फ्रांस एक दो दिन में यूएन में प्रस्ताव लाएगा कि आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाए। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी दुनिया भर में सबसे ज्यादा लानत मलानत होती है, बावजूद इसके वो बेशर्मी से बयानबाजी करता है। पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जिसके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि वो आतंकियों को दाना पानी देता है, उसके बावजूद पाकिस्तान बेशर्मी से झूठ बोलता है। लेकिन पाकिस्तान की पैतरेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी पर पाले जा रहे आतंकियों को लेकर दुनिया के कई देश सख्त हो गए हैं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने को लेकर यूएस, इंग्लैंड और फ्रांस यूएन में प्रस्ताव लाएंगे। अगले एक दो दिन में ही फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव देगा जिसमें मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी लिस्ट में शामिल करने की मांग की जाएगी। फ्रांस के इस प्रस्ताव पर फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच बातचीत हो चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि पुलवामा हमले के गुनहगारों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में अमेरिका भारत के साथ है। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिश का अमेरिका ने समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का साथ दिया है। I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? Thank you very much. दुनिया भर में हुई इस लानत मलानत से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएन महासचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है, मैं आपका ध्यान भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति की ओर खींचना चाहता हूं। भारत की ओर से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे इस क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है और संयुक्त राष्ट्र को इसमें तत्काल दखल देना चाहिए। शाह महमूद की ये चिट्ठी पाकिस्तान का डर बताने के लिए काफी है। ये समझना आसान है कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद की हरकत पर भारत सरकार पूरी तरह से न्याय के मूड में है और आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की मिलीभगत की पोल खुलनी अब तय है।